भाई साहब मजा आ जाएगा, मैं से तो वेट नहीं हो रहा भाई साहब। एलिवेट की ड्रैग रेस आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, वो भी भाई टाइगन जीटी के साथ। गई 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 एलिवेट गई उठ पे गई 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 खींचो 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 गई भाई गई गई गई। चलो 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 ओ भाई साहब, भाई दिल पेट में चला गया, दिल पेट में चला जाता भैया। भाई थोड़ी एडवांटेज ज्यादा देनी पड़ेगी, दिख नहीं रही वो, एडवांटेज ज्यादा देनी पड़ेगी। ओ भाई ऐसा भी तो गोली की तरह गायब हो गई। ओ भाई साहब, भाई उबाले मार रहा है इंजन। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ भाई एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियो, जिसमें भाई ये देख लो भाई आप सबकी फेवरेट गाड़ी, कितने सवाल आप लोग पूछते हो यार, ये देखो यार होंडा की एलिवेट गाड़ी। अब भाई कौन सा इंजन है ये तो आपको भाई बताने की जरूरत नहीं है, एक इंजन आता है इसमें, 1.5 पेट्रोल इंजन है ये, टॉप मॉडल है, सीवीटी है। एंड अगर मैं बात करूँ टाइगन की तो ये है भाई अपना 1.5 जीटी, भाई जीटी 1.5 डीएसजी वाला। तो भाई 1.5 टाइगन और एलिवेट 1.5 सीवीटी दोनों टॉप एंड मॉडल, दोनों ऑटोमेटिक ड्रैग रेस लेकर आए हैं। तो भाई आपको पता ही होगा ये तो इसमें टर्बो आता ही नहीं है, एक इंजन आता है, ना टर्बो आता है ना डीजल आता है, एंड इसमें 1 लीटर भी आता है लेकिन ये 1.5 वाली है। तो भाई साहब देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये मत बोलना कि यार इसका कंपैरिजन 1 लीटर से बनता है 1 लीटर से बनता है, देखो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इवन दो अगर ये 1 लीटर भी होती तो भी मैं आपको एक बात बोलूंगा भाई, ड्रैग रेस से कभी भी गाड़ी की पावर मत जज करा करो, ड्रैग रेस में रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। आराम से अपना चिप्स का पैकेट लेके बैठो, देखो मजे लो, बात खत्म। ड्रैग रेस से कभी भी गाड़ी को रियल लाइफ में जज मत करना, जमीन आसमान का फर्क होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको होंडा एलिवेट के जो है ओनर से मिलवाता हूँ। भाई साहब क्या लग रही है इसकी ग्रिल, ऐसा लग रहा है पूरा क्रोम है जबकि क्रोम यहाँ पे कुछ है नहीं, मजा आ गया। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे पाजी। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन हो जाए अपना, वो आपने दे ही दिया इंट्रोडक्शन तो मेरे को पहली वीडियो में तारा सिंह का एक तो वो खिताब दे ही दिया, एप्लेट्स मिल गए मेरे को उसके, आपने मेरी वीडियो तो देखी होगी पहले तो, फिर तारा सिंह नहीं जानते, तारा सिंह नहीं जानते, कईयों का आया मेरे पास कि ये तारा सिंह के ना, बिल्कुल। आज हम लोगों ने ये प्लान करा आपस में मिलके कि कुछ ना कुछ एक एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए कुछ लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज देखते हैं आप एंजॉय करो, जैसे दक्ष भाई ने बोला चिप्स का पैकेट ओनली एंटरटेनमेंट, तो भाई बात ये है जज मत करना, ये सारा खाली इंजन पे डिपेंड नहीं करता, ड्राइवर पे भी डिपेंड करता, एग्जैक्टली सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, समझदारी वाला बहुत सारा कंटेंट देखते हो भाई। पहले तो देखो एक बार गाड़ियों का साइज देख लो, ये काफी छोटी सी लग रही है इसके सामने, ये थोड़ी बल्कि एसयूवी लग रही है, थोड़ा इसका बोनट वैसा है बट देखने में दोनों जो है कंपैरिजन अगर आप करोगे तो इसका सिर्फ बोनट जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए वो थोड़ा बल्कि लुक। भाई साहब मजा आ जाएगा, मैं से तो वेट नहीं हो रहा भाई साहब। एलिवेट की ड्रैग रेस आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, वो भी भाई टाइगन जीटी के साथ। ये शायद इसकी भी पहली ड्रैग रेस होगी, ये भी पहली ड्रैग रेस कर रही है। हाँ अच्छा भाई साहब मजा आ जाएगा भाई एकदम भोकाल। अच्छा एक बात और है दक्ष भाई, अगर आपको ये ड्रैग अच्छी लगी रेस तो अगर आपको एक और बार देखनी है तो इसके साथ एक गाड़ी और है मेरे पास, कौन वैसे तो और भी है अगर आप बोलोगे तो, उसके साथ भी ड्रैग रेस करना तो कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं पक्का लेके आऊंगा अगली बार हम लोग। गाड़ी बता दो कौन सी है। देखो ऑप्शन है, आप लोग बताना, एक तो है फॉर्च्यूनर, एंडेवर, मर्सिडीज, ठीक है ना, ये इन गाड़ियों में से कोई भी, क्योंकि इसका इंजन जो है ना उनके मुकाबले का है, मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। चलो पहले भगाल एकदम ढीला हो रखा है दोस्तों, भगाल टाइट कर देंगे, अभी भगाल लटक रहा है, ढीला हो रहा है, अभी टाइट करते हैं, आ जाओ। तीन हॉर्न पे बोल दो नीचे करके भाई साहब, तीन हॉर्न पे डी पे डाल लो, ये देख लो एसी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन है, मैंने बंद नहीं करा, ये देखो चलो रेडी, एक दो तीन, ये डी मोड है भाई। भाई साहब कहाँ गई एलिवेट, दिख नहीं रही भाई, बहुत बन गया एलिवेट का ट्रैक, थोड़ा छोटा था, केवल बड़े ट्रैक पे भी चलेंगे, ये जस्ट फॉर एन आइडिया। चलो अब यहाँ से। हाँ जी बाजी रोक लो, क्या रहा, बहुत बढ़िया, थोड़ा लंबा पैच होता ना तो ये और आगे चली जाती, लेकिन कितना गैप बना होगा, ज्यादा गैप नहीं था। चलो फिर क्या एडवांटेज देनी है गाड़ी को या क्या करना है, अभी नहीं, एक बार मैनुअल ट्रांस उसमें करेंगे, लॉन्च सही था, लॉन्च पेडल शिफ्टर्स में, पेडल अच्छा स्पोर्ट्स पे करेंगे, स्पोर्ट्स अच्छा मैं डाल लूं, स्पोर्ट्स डालो आप,
चलो जी देख लो। चलो जी शीशा बंद कर दो, हॉर्न इस बार आप देना ठीक है। ओ भाई ऐसा भी तो गोली की तरह गायब हो गई। ट्रैक खत्म हो गया, ट्रैक छोटा था काफी। हाँ कोई नहीं, तो दोस्तों अब जो है भाई हम दूसरे ट्रैक पर आ गए हैं, ये थोड़ा लंबा है इसमें ज्यादा मजा आएगा। एक बारी मैं दिखा दूं आपको तरके कि भाई बाजी दूसरी रेस में सब सही रहा था, दूसरी वाले में ये स्पोर्ट्स में तो आगे निकल गए, आप पूरे पोटेंशियल तक खींच रहे थे गाड़ी को। हाँ चलो एक बारी देखते हैं, थोड़ी सी आगे कर लो, बस 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 थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी पीछे, बस 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 बस, ये देखो भाई एकदम बराबर हो गई है। ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं, आप स्पोर्ट्स पे कर लो, हम डी पे करते हैं। आप डी पे करते हैं ठीक है, यहाँ पे डी पे है, आप स्पोर्ट्स कर लो ठीक है। हमने डी पे डाल ली है, हमने डी पे डाल लिया, आप स्पोर्ट्स पे डाल लो। डी पे डाल लिया, एसी ऑन, आपका एस पे एसी ऑफ। चलो जी 1 2 3 ये तो कुछ ज्यादा ही गैप बन रहा है भाई। नहीं भाई कोई मैच नहीं है भाई, थोड़ी एडवांटेज ज्यादा देनी पड़ेगी, दिख नहीं रही वो, एडवांटेज ज्यादा देनी पड़ेगी भाई। वो देखो भाई वो आपको लाइट चमकती दिख रही होगी कि वो देखो। अब यहाँ से एक काम करते हैं, एडवांटेज और देते हैं, थोड़ी आगे खड़ी करें। हाँ बाजे भाई साहब मजा आ रहा कि नहीं आ रहा भाई साहब। दोस्तों इस वीडियो का मैं प्रीमियर डालूंगा, तो अगर आप लाइव पे देख रहे हो तो भाई साहब लाइव चैट पे जुड़ जाओ मेरे साथ, आपके साथ बातें करते करते वीडियो देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। थोड़ा सा गैप बनाते हैं भाजी, पीछे से मैं लूंगा, आप थोड़ी और आगे चलो, और आगे, आगे, आगे खड़ी आगे कर लो, नहीं तो मैच नहीं हो पाएगा। तो पीछे चले दोबारा, नहीं नहीं हम यहीं पर हैं, आप आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, मैं जब हॉर्न बजाऊंगा आप चल पड़ना। तो दोस्तों वो देखो भाई वो रही होंडा की एलिवेट गाड़ी, चलो हमने कर लिया, एसी बंद कर दिया, एसी कर दिया बंद। ये देखो ये हमारी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है, ये देखो काफी दूर खड़ी है, ये देखो। और कम से कम 6 से 8-10 गाड़ियों का गैप दे दिया, और एसी हमारा ऑन है, ऑफ कर दूं? नहीं ऑफ एयर रहने दो, ऑफ कर देते हैं इसे, क्योंकि ट्रैक इतना है नहीं ना कि पोटेंशियल पोटेंशियल में पूरे चलो। 1 2 3 चल 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 टाइगुन चल चल। ओ भाई साहब, ओ भाई शिट शिट भाई साहब भाई साहब भाई साहब, सवाल आ गया कि नहीं आ गया भाई साहब। 1.5 लेकिन यार भाई दिस इज अनबिलीवेबल, एक बार यहाँ पे रोकना उनका शायद लॉन्च भाई साहब। अभी कैसे हो सकता है 10 गाड़ियों का गैप था, इतना बड़ा फर्क इतने गैप के बावजूद। मैं क्या कह रहा हूं जी, क्लियर विनर है वो तो वैसे भी पता था। आपका लॉन्च वगैरह सही हुआ? लॉन्च ठीक था, ठीक था, थोड़ा लैग कर गया स्टार्टिंग में, मत पूरा पोटेंशियल तो खींचा ना फुल। हाँ 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 पूरा खुला, पहले एक बार हल्का सा हुआ, उसके बाद पूरा पोटेंशियल से। एक बार वापस चलते हैं उस ट्रैक पे, एक बार दोबारा चलते हैं। भाई साहब ये तो गलत सीन हो गया यार, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। जो गैप है ना इंजन का 500 सीसी का और जो टर्बो का गैप है वो खत्म कर देते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ डी मोड पे, एसी भी ऑन कर लिया है ठीक है, चाहे आप ट्रैक्शन भी बंद कर लो और अब गैप पे रखेंगे। मतलब जो ये गैप इसलिए रखा जा रहा है पाजी कि जो गाड़ी के इंजन का फर्क है ना वो गैप कवर हो जाए ठीक है। तो मैं ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ, हाँ इसमें ट्रैक्शन भी ऑन, स्पोर्ट्स मोड डालो, एसी बंद कर लो, स्पोर्ट्स मोड डाल लो, फुल पोटेंशियल डाल लो, आप एसी बंद कर दो, फुल पोटेंशियल, 8-10 गाड़ियों का गैप ठीक है। चलो दोस्तों ये आप गैप देख सकते हो वो फुल पोटेंशियल पे, इसका एसी भी ऑन है, ट्रैक्शन वगैरह भी ऑन है, एंड ये है डी मोड, ये देखो। चलो तो दोस्तों वो देखो भाई वो खड़ी एलिवेट, उसको हमने एडवांटेज दिया, वो इतनी आगे खड़ी है, वो देखो ये देखो ये खड़ी एलिवेट, देख लो दोस्तों डी मोड है भाई साहब। गई 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 गई, 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 गई।
घोड़े इसके खुले हैं आज, इसका सारा BMW का ड्राइवर चेंज करते हैं, Volkswagen का भूत बना दिया। अभी 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 एक काम करते हैं, अब और क्या एडवांटेज हो सकती है? और तो क्या एडवांटेज होएगी, बंदे भी है ना कि बंदे बैठा ले। सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी है ना कि वहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे डबल है बंदे। हाँ ये भी एक एडवांटेज, ये पहले ही ऑलरेडी एडवांटेज है। उसके बाद हमने काफी काफी गैप देके एडवांटेज दे दी, तो एक अब कौन सा दक्ष तू बता। तो दोस्तों भाई टाइम आ गया ड्राइवर चेंज करने का, हम जो है एलिवेट में जा रहे हैं, पाजी जो है वो टाइगून चलाएंगे। भाई साहब आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? दोस्तों लाइव चैट पे जुड़ जाओ मेरे साथ, जल्दी मुझे बताओ कैसा मजा आ रहा है। ड्राइवर चेंज हो गए हैं भाई साहब। कितने RPM तक जा रही थी ये? ये 6000 अबव थी। 6000 अबव थी। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें हम लॉन्च नहीं कर रही है, तो DSG ऐसे लॉन्च हो तो जाती है लेकिन करना सही नहीं होता। इसे हम लॉन्च नहीं कर रहे थे और इसे भी हम लॉन्च नहीं कर रहे थे, नॉर्मली जो है हम एकदम गाड़ियों को उठा रहे थे। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर इसको मैं मैनुअल मोड पे चलाता ना वो जरूरत से ज्यादा गैप बन जाता, मैंने मैनुअल मोड किया नहीं। चलो जी भाई टाइगून का तो भूत बना दिया, वेलीवेट की बारी है। वैसे भूत तो इसका भी बन रहा था, साइड बाय साइड कोई गाड़ी नहीं बचेगी भाई, सबका भूत बनेगा। AC ऑफ है इसका, एसी ऑफ है। स्पोर्ट्स मोड पे डाल लो ब्रेक, स्पोर्ट्स मोड पे डाल लूं गियर, स्पोर्ट्स मोड पे डाल लिया। चलो शीशा बंद है इसका। चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे यार लॉन्च का नहीं मजा आया, मैं इसे इकट्ठे चलाते हैं, इकट्ठे लॉन्च गड़बड़ होने बोलते हैं, इकट्ठे चलाते हैं। ओ भाई साहब, भाई दिल पेट में, दिल पेट में चला जाता भैया। GT है भाई, GT है भाई साहब। कैसे निकली है ये? अभी तो मैंने तो धीरे ही कर ली थी, डरा दिया तो। इसने तो अब इक्वल करते हैं, एक बार देखते हैं जरा स्पोर्ट्स मोड पे क्या रहा है। क्या हुआ? इक्वल करते हैं, आप पूरी पोटेंशियल पे लो। ओके, जैसे देना चाहते हो। हॉर्न आप दो, तीसरे हॉर्न पे उठाएंगे। हॉर्न आप दो, डी मोड पे है, AC ऑन है, ऑफ करूं? आपको जैसे चलानी है, आप किसी भी मोड पे रखो। AC ऑन रखते हैं। हाँ ठीक है, इसका ऑफ है, इसका ऑफ है, हाँ इसका ऑफ है। मैं अपनी ना पूरी पोटेंशियल से चलाऊंगा, टेंशन मत लेना। चलो चलो जी, हॉर्न उनको देने देना। इस बार हम आगे निकले हैं। ओ भाई पूरी खिंच रही है भाई, ये देख लो पूरी पूरी जा रही है। ओ भाई साहब जान तो मैंने पूरी लगा दी है। ओ भाई ओ नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। गैप थोड़ा कम बना, भी हमने हल्की सी ब्रेक ले ली, लेकिन क्या होता, थोड़ा ड्राइवर का बहुत बड़ा फर्क होता, थोड़ा कम गैप बना पाई। मतलब जब ये चला रहे तो जो ये थोड़ी बाउंसी सी नहीं लग रही भगाने में? भगाने में थोड़ी बाउंसी लग रही है। अब एकदम उसके बाद इसमें आया ना तो थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, जान दे रही है गाड़ी पूरी, पूरा मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के हिसाब से। दोस्तों ये मत सोच लेना कहीं पोटेंशियल कम है इसकी, वो है ही पापा, वो इंजन है ही पापा। लेकिन अब ये समझ लो इंजन के हिसाब से, अब आप देखना मैं पूरी टक्कर दूंगा भाई साहब, पूरा आप देख लेना फिर जरा, मोड़ से देंगे हम टक्कर पूरी, वहीं से करते हैं। स्टेबल तो ये है, ये गाड़ी भी स्टेबल तो ये भी है, ऐसा नहीं है, पता चलता है अच्छे सेगमेंट की, और साइलेंट भी है, जब RPM कंट्रोल भी है, अच्छी चल रही है भाई साहब। हाई स्पीड पे लट्टू बनता देख लो आप। ओ भाई ओ भाई मदारी की तरह नचा दिया एलिवेटर टाइगून को दोनों को। अरे यार भूत तो वैसे ही तेरे को पता निकाल देता हूँ मैं, मतलब गर्दन से यूं करके निचोड़ के जो है ना दोनों गाड़ियों का, वो भाई ड्रिफ्ट है ये देखो। ओ राम से राम से, अरे घबरा मत, एक बारी बाहर निकल के पूछते हैं उनसे, फायदा लग नहीं रहा मुझे रोलिंग वगैरह भी करने का। नहीं नहीं अब, लेकिन अब फुल पोटेंशियल पर लड़ूंगा, लास्ट लड़ूंगा मैं, जिता के रहूंगा एलिवेट को पूरा। हाँ जी पाजी क्या स्वाद आ रहा है? तो बहुत ज्यादा स्वाद आ रहा है। चलो अब फिर आपने पूरी जान लगा देनी है, इस बारी मैं हारने नहीं दूंगा इसको। अच्छा। मतलब समझ लो कि मेरे अंदर जितनी पोटेंशियल है ना वो लगा दूंगा इंजन के साथ में। आप आगे रहोगे? नहीं बराबर चलेगा, लेकिन अब मैं अपनी जान फूंक दूंगा पूरी, बाकी इंजन के ऊपर है, फूंकने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा। हाँ बस ठीक है, शीशा बंद कर लो, शीशा बंद कर लो, हॉर्न आप देना, हॉर्न आप देना। चलो आगे कर लो, और आगे कर लो। चलो और वो देखो, थोड़ा सा हमने एलिवेट को एडवांटेज दिया। निकाल दो, पहले निकाल दो, देखते हैं क्या रहता है फिर भी। भाई साहब भाई पूरे घोड़े खोल दिए, 70 रुपए ही निकल गई थी। नहीं आगे आगे साइकिल नहीं यार, फायदा नहीं है बार बार भी करने का, कोई फायदा नहीं है यार। लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ये इंजन जो है।
ना ये गाड़ी कंपनी ने रेस का सोच के बनाया है, ना वो गाड़ी कंपनी ने रेस का सोच के बनाया, बल्कि फॉक्सवैगन की 2.0 कार्स में VW ने अपना DSG को थोड़ा सा शुरू में इनिशियली डीट्यून करा है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब लगा लो कहीं पे यार, रेस के लिए ना वो बनी है ना ये बनी है, ये सिर्फ आपको फन के लिए दिखाया जा रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ। मजा आ रहा है भी भगाने में, पर भगाने में मजा पूरा आ रहा है, लेकिन भाई वो तो तूफान की तरह। पाजी साहब जरा पूछते हैं कि इनका विचार क्या है, अफसोस तो नहीं हो रहा लिमिट लेके? क्या लगा, क्या डिफरेंस लगा चला के? डिफरेंस तो बहुत बहुत ज्यादा था, क्योंकि देखो जो मतलब पिकअप तो चलो गाड़ी की तो खैर नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट जो इन एक्चुअली व्हेन आई क्रॉस 122 अबव जो इसकी स्टेबिलिटी थी वो मतलब वो कर्व में लग ही नहीं रहा था कि यार, वो तो मैं कैमरे में जब वीडियो बना रहा था मैंने देखा 120 से ऊपर चले गई है ये। अच्छा, मतलब चलाते पता नहीं लग रहा था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था, मतलब इतनी अच्छी कंट्रोलिंग थी कार की। देखो अगर दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर इंजन का डिफरेंस था ना तो हमने कई गाड़ियों का गैप भी दिया हुआ था, इस इंजन के गैप को खत्म करने के लिए। भाजी मेरे ख्याल 8-10 गाड़ियां और बेनिफिट भी था, एसी ऑन, दो लोग, डी मोड, तो बेनिफिट हमने दे के इंजन को कंपनसेट करने की कोशिश की है। यार कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखना, ये कोई डीफेम नहीं हो रही है गाड़ी, मोस्ट लव्ड गाड़ी है मेरी भी, ये है ना? बिल्कुल सही बात है, एज आई सेड की सिर्फ एंटरटेनमेंट के मस्ती के लिए, और पूरा मजा आया मेरे को, मतलब मेरे अभी भी गूज़बम्स आए हुए हैं मेरे को चलाते हुए। तो दोस्तों भाई साहब देखो, वैसे तो मैंने सोचा था मैं रोलिंग रेस भी करूंगा, लेकिन यार मुझे ड्रैग से आइडिया लग गया कि यार रोलिंग रेस करना कोई मतलब कोई तुक नहीं बनता। तो दोस्तों सर का भी एक यूट्यूब चैनल है, होंडा एलिवेट से रिलेटेड जो है ये कंटेंट डालते हैं, माइलेज वगैरह। तो सर एक बार लाजवाब कंटेंट होता है इनका, BP बाइकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई होप यार आप सबको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार अपने होंडा वाले दोस्तों के साथ, अपने फॉक्सवैगन स्कोडा वाले दोस्तों के साथ, हुंडई वालों से शेयर कर दो यार सबके साथ, सबको मजे आने चाहिए भाई। एलिवेट गाड़ी का भोकाल बना हुआ है मार्केट में, सबको पता चलना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी की, सबके साथ शेयर कर दो जो होंडा एलिवेट प्लान कर रहे हैं, टाइगून प्लान कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो